अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कीमा रेटिंग मार्कअप के बारे में। तो स्कीमा रेटिंग मार्कअप जो है उसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है गूगल में, और इसका जो विजुअल्स हैं वो इस तरह के होते हैं आर्टिकल में, जो आर्टिकल के एंड पे शो होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट यूज़ कर रही है गेम्स लर्निंग सोसाइटी, और इस तरह का ये शो हो रहा है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है और वो इतना ख़ास अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं भी ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, सॉरी यहाँ पे के स्टार रेटिंग्स स्किप। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक आईपी से एक बंदा ही वोट दे सके तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी पे वो स्टार रेटिंग शो ना हो तो उसे चेक कर दें। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पोस्ट के ऊपर शो हो, इस वजह से हम बाकी हर चीज़ को अनचेक कर देंगे। और ये भी वही चीज़ है, इसमें पोस्ट के अलावा हर जगह डिसेबल कर देंगे। आगे ये पोस्ट की कैटेगरीज जो हैं जिनमें आप चाहते हैं कि शो ना हो, और ये कौन सी पोजीशन पे शो हो, हम बॉटम लेफ्ट एंड पे शो कराना है इस वजह से। उसके बाद सेव चेंजेस। रिच स्निपेट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, सेव चेंजेस। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। एक हमने सेट किया है कि सिर्फ ब्लॉग कैटेगरीज पे शो हो, तो अब हम इधर से न्यू पोस्ट और ब्लॉग सेट करेंगे। ब्लॉग पब्लिश।
और ये देखें रेटिंग शो हो रही है। बम में से चेक करते हैं। तो ये देखें रेटिंग शो हो रही है। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई थी जिस वजह से एरर्स आ रहे थे और वो आउटडेटेड हो गई थी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का सेम डिज़ाइन हो तो उसके लिए आपको इसका वर्जन 3 यूज़ करना पड़ेगा। ये वर्जन 4 है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।